ये है आपका अपना चैनल पंजाबनामा। अगर आपने अभी तक पंजाबनामा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सबसे पहले पंजाबनामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ताज़ा अपडेट हमेशा आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कोरोना वायरस के मद्देनज़र जहां पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, वहीं पंजाब में भी इसके मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस बात को लेकर बरनाला में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी सख्ती दिखाई जा रही है। वहीं बरनाला में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के मुख्य बाज़ारों सदर बाज़ार, फरवाही बाज़ार, हंडाया बाज़ार, धनौला रोड के साथ लगती सभी गलियों को बैरीगेट व रस्सियों के साथ बांध दिया गया है। इस मौके पर जानकारी देते हुए SSP संदीप गोयल और SPD सुखदेव सिंह विर्क ने बताया कि आगे के कई दिन पूरी तरह से खतरे वाले हैं, जिसके लिए हमें बाहर कम से कम निकलना चाहिए और इसी बात को लेकर बरनाला पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। पुलिस का गलियों रास्तों को बंद करना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो वह शहर के मुख्य चौकों व नाके में से होकर जाए तो पता लग सके कि उसका बाहर निकलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर कोई व्यक्ति कानून की उल्लंघना करता नजर आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक बरनाला शहर में 24 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह हमारा साथ दें और कम से कम बाहर निकलें। इस मौके पर DSP बरनाला राजेश कुमार शिब्बर, DSP स्पेशल ब्रांच बरिंदरजीत सिंह, थाना सिटी 1 के SHO जगजीत सिंह, थाना सदर के SHO बलजीत सिंह सहित भारी गिनती में पुलिस फोर्स मौजूद थी। हेमंत राय गर्ग, बरनाला। आपको बता दें कि ये 24 मामले कर्फ्यू पर उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई के मामले हैं। बच्चन घर दे विच रह के ही इन्हें बचा जा सकता है। देखना चाहिए कुछ लोग इसकी वायलेशन कर रहे हैं तो बसिस का भी दुरुपयोग हो रहा है। सो वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अननेसेसरी फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स। असी जिते क्रिस क्रॉस है जी सामने देख रहे हो, वी आर पुटिंग अ बैरीगेड्स ऑन इट सो दैट जरा कोई जरा एलीमेंट जिन्होंने असी रिक्वायर्ड नहीं है सड़क पर किसी को कोई स्पैसीफिक परपज़ लिए किसी ने बाहर आना है वो स्पैसीफिक अथॉरिटी तो पास लैके आ रहा है। बट टू कर्ब टू रिस्ट्रिक्ट इस तरह ही ओवरफ्लो ऑफ द ट्रैफिक ऑन द रोड्स असी इस बैरीकेडिंग कर रहे हैं। सर कितने कितने बैरीकेडिंग की जा रही है? सर सारे शहर से असं बैरीकेडिंग करा जिथे सानू असी वी वॉन्ट टू रेगुलेट द ट्रैफिक। असी आपका एक थाते नाका स्ट्रोंग नाका लावे सो दैट रोटरी बन के जिथे जरा असी जितों एक दो चार लिमिटेड पॉइंट्स तो असी कंट्रोल कर सके ट्रैफिक। सर आ भी देखने जा रहा सर कुछ जगह तो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे या बैडमिंटन खेल रहे हैं या वी आर गोइंग टू कम हैवली ऑन ऑल दीज वायलेटर्स ऑफ द जनता कर्फ्यू फ्रॉम टुमारो ऑन फ्रॉम द राइट फ्रॉम दिस मोमेंट। असी बार बार हर प्लेटफॉर्म तो अपील की हैगी है कि दिस इज़ नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर कर्फ्यू, दिस इज़ बेसिकली अ मैडिकल कर्फ्यू जिसनों सानू सारियां नू अवे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सम अनस्क्रूपुलस एलीमेंट्स इसनों नहीं फॉलो करते, सानू फिर ये हार्ड स्टैप्स लेने ही पैणगे विच वी आर विल नॉट हैजिटेट टू टेक। सर जिवें अज हस्पताल विच देखिया गया लोग एमरजेंसी सेवावां दे बहाने 400-400 बंदा इकट्ठा हो रहा ओपड़ी लई। You will not see anything from tomorrow on. ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰਸਤੇ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੀਏ ਬੇਲੋੜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਬੇਲੋੜੀ
बाहर निकलना जां इकट्ठे होना जां ये समझना भी असी चल घरे तां हैगे घरे दस बंदे इकट्ठे कर लीए जां कैरम बोर्ड खेडन लग जाइए जां क्रिकेट खेडन लग जाइए ये वधिया गल नहीं। आपां नूं नियमां मुताबक अपने आप नूं अनुशासन च रख के इहदा जिहड़ी पालना करनी चाहीदी है तां कि पंजाब दी जिवें उम्मीद है वी आपां बचा लांगे सारे जणे रल के ते उह उम्मीद अपनी बरकरार रहे ते हो जे तुसीं सारयां ने सहयोग दित्ता तां आपां हर हालत च बचा लांगे।